नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। भारत को कानपुर टेस्ट में जीत दिलाने वाले अश्विन को कप्तान विराट कोहली ने सराहा। बोले, टेस्ट मैचों के लिए अनमोल हैं अश्विन। कानपुर टेस्ट में अश्विन ने चटकाए थे 10 विकेट। क्रिकेट फैंस की वोटिंग के आधार पर चुनी गई बीसीसीआई ड्रीम टेस्ट टीम के कप्तान बने महेंद्र सिंह धोनी। टीम में विराट कोहली और सौरभ गांगुली को नहीं मिली जगह। युवराज सिंह को दिया गया टेस्ट टीम में स्थान। मार्टिना हिंगिस को पीछे छोड़ डबल्स में सानिया मिर्जा शीर्ष पर बरकरार। 9730 अंक के साथ डबल्स में बनी है नंबर एक खिलाड़ी। हाल ही में सानिया ने जीता है पैन पैसिफिक ओपन का खिताब। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने आईएसएल के नए नियमों को दी मंजूरी। फ्रेंचाइजी अब मार्की खिलाड़ी के लिए अपनी स्वेच्छा से कितनी भी कीमत अदा कर सकती है। खिलाड़ियों को खरीदने की कुल कीमत को 21 करोड़ रुपए से कम किया गया। क्रिकेट को दूसरे देशों तक पहुंचाने की विवियन रिचर्ड्स ने की वकालत। कहा, एशिया और वेस्टइंडीज के कई लोग अमेरिका जैसे देशों में रहते हैं जहां क्रिकेट का विस्तार नहीं है और वहां क्रिकेट को लाना चाहिए। और तमीम इकबाल बांग्लादेश के बने 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। तमीम ने आंकड़ा 248 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 285 पारियों में छुआ। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान रचा था इतिहास। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।